जय हिंद आदाब। मैं हूँ साजिद दिलबर। आप देख रहे हैं दिलबर न्यूज़। शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला। दोस्तों, जिस तरह से नगर निगम चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, नेताओं की सरगर्मी बढ़ती ही जा रहे हैं। इसी सिलसिले में मेरठ वार्ड नंबर 77 से नवाबुद्दीन उर्फ कल्लू भी मैदान में हैं और 26 नंबर गली में उनकी मीटिंग हुई, जिसमें क्षेत्र के सभी सम्मानीय लोग इकट्ठे हुए। नवाबुद्दीन उर्फ कल्लू ने सभी क्षेत्र के सम्मानीय लोगों से अब की बार उनका साथ देने की अपील की और क्षेत्र के सभी लोगों ने उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलने का वादा किया और तन मन धन से कहा कि वो नवाबुद्दीन उर्फ कल्लू के ही साथ हैं और अब की बार वो कल्लू को ही अपना पार्षद देखना चाहते हैं। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि नवाबुद्दीन उर्फ कल्लू इस क्षेत्र के बहुत पुराने रहने वाले हैं। उन्होंने यहीं जन्म लिया और पूरी ज़िंदगी यहीं जीनी लोगों के बीच, और इस क्षेत्र को वो पूरी तरह से समझते हैं, क्षेत्र का पूरा हाल जानते हैं और जो क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी रखता है उसे क्षेत्र का दुख दर्द पता होता है और सभी के दुख दर्द में वो हमेशा खड़े रहते हैं। और इलेक्शन से पहले भी उन्होंने लोगों को बहुत जो उनके बस के काम था सभी काम उन्होंने किए और हर काम के लिए भी आधी रात को लोग क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े रहते हैं। तो जानते हैं नवाबुद्दीन उर्फ कल्लू के विचार, लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, खुशामंद करते हैं कि हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही खुशामंद, यही दरख्वास्त है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो जानते हैं नवाबुद्दीन उर्फ कल्लू के विचार। जो स्कीम हमारे लिए सरकार ने निकाली है, जो बगैर पैसे की स्कीम होती है, मकान बनवाने के लिए, आधार कार्ड बनवाने के लिए, पहचान पत्र बनवाने के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये आप अपने उस नौकर की कमी देखोगे, मेरा कान पकड़ करके बता देना कि तुम्हारी ये चूक है, तुम्हारी ये कमी है। 5 साल में आपका खादिम बनकर रहूंगा, आपकी आवाज से आवाज मिलाकर रहूंगा। तो जितनी परेशानी है मेरे भाई बहनों के दोस्तों, वो सामने है। और अगर मैं अपने जज्बात को रखना चाहूं तो मेरे भाई बहनों के दोस्तों पूरी रात हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा, जो बात उन्होंने कही है वो बात पत्थर की लकीर है। और मैं उन्हीं कुछ बातों को दोहराना चाहूंगा कि जो बात अध्यक्ष जी ने रखी थी, बिजली की समस्या, वेल टैक्स की समस्या, नाली खड़ंजों की समस्या, तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, मुझे एक वोट के बदले में आप खरीद लो और